Hello everyone, welcome back to GeeksforGeeks School. In today's video, we will continue our course that is Java for Kids. In this video, we will start chapter number 5, that is Operators in Java. Before starting this chapter, I would like to share some information. GeeksforGeeks School has came up with various new courses, that is Introduction in Machine Learning, Introduction in Robotics, and we have also various courses in Scratch programming. If you and your kids are interested in any of these programming, you can directly visit our YouTube channel, that is GeeksforGeeks School, and take advantage of all of these courses at free of cost. Now let's continue our chapter. First of all, we will see what exactly we will study in this chapter. In this, first we will see what is operator. Second, we will see how to use operator. Our very first question, what is an operator? We will first read out the definition. Operators are the foundation of any programming language. We can define operators as symbols that help us to perform specific mathematical and logical computation on operands. So let me explain you in a simple words. We can say that operators एक बहुत ही major part होता है किसी भी programming language का, ठीक है, ये हमको याद रखना है. And हम उसको easily कह सकते हैं कि operators हमारे कोई भी mathematical function हो या mathematical question हो, same उसी तरह logical कोई भी coding part आता है तो उसको solve करने में operator हमारी help करता है. तो मैं इसको आप एक example से show करता हूँ. सपोज दैट हमने ये लाइन अपने कोड में लिखी है c इज इक्वल टू ए प्लस बी, जैसे कि हम लिखते थे पहले इंट c इज इक्वल टू लेट्स से इंट a प्लस इंट b, ठीक है. अब इसमें जो हमारे ये प्लस है इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं और इसको हम कह सकते हैं ये हमारा एडिशनल ऑपरेटर हो गया, ठीक है. एंड ये ए एंड बी ये हमारा ऑपरेंड्स हो गया. तो टेक्निकली होता क्या है, जब हम ये लाइन लिखते हैं कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, जो हमारा एडिशनल ऑपरेटर होता है ये कंपाइलर को बताता है कि कंपाइलर को ए और बी को ऐड करके आंसर देना है, ठीक है. तो ऑपरेटर हमारा बताता है कंपाइलर को ए और बी को ऐड करके आंसर देना है. तो ये होता है ऑपरेटर का फंक्शन. ऑपरेटर हमारी हेल्प करता है किसी भी स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए, एडिशन हो गया, मतलब मैथमेटिकल हो गया, लॉजिकल हो गया. अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के बारे में. सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थमैटिक ऑपरेटर. दीज आर द ऑपरेटर यूज टू परफॉर्म अर्थमैटिक मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स. मैं आपको इसका अगर एग्जाम्पल देना चाहूँगा और सिंपल समझाऊँ तो अर्थमैटिक ऑपरेटर्स ही वो बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम डेली के मैथमेटिकल इक्वेशन हो गए, अर्थमैटिक इक्वेशन हो गए, उनको सॉल्व करने में यूज़ करते हैं. जैसे कि एग्जांपल्स है इसके प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये सारे ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं अर्थमैटिक ऑपरेटर्स के अंदर, ठीक है. हम सेकेंड पर जाते हैं. सेकेंड है रिलेशनल ऑपरेटर्स. यहाँ पे हम सेकंड लिख देते हैं रिलेशनल ऑपरेटर. दीज आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स. एक मिनट, मैं इसको भी आपको इसी वर्ड समझाता हूँ. इसमें सबसे पहले हम एग्जांपल लिखते हैं. इसका एग्जांपल हो गए लेट्स से डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं कोई भी दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए. सपोज दैट हम अगर लिख दें कि 45 इज इक्वल टू 45, तो हम ये कंपेयर कर रहे हैं दोनों की वैल्यू. सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि 63 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेट्स से 43, ठीक है. तो ये हो गया हमारा रिलेशनल ऑपरेटर. हम थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर कंडीशंस, कंस्ट्रेंट और कॉम्प्लीमेंट द इवैल्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल कंडीशन एंड कंसिडरेशन। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम बेसिकली अगर समझाया जाए तो हमारे पास दो तरह के वो होते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, एंड और। तो एंड इसमें हमारे आंसर जब भी आएगा वो ट्रू या फॉल्स में ही आएगा। हम इसमें कोई भी दो कंडीशन ले लेते हैं एंड फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आंसर दोनों कंडीशन, अगर हम एंड यूज़ कर रहे हैं, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट अगर हम लॉजिकल एंड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हम ऐसे लिखते हैं एंड यहाँ पे हमारी एक कंडीशन होगी, यहाँ पे हमारी एक कंडीशन होगी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो हमारा आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। ठीक है, ये हमारा लॉजिकल एंड हो गया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, बिटवाइज ऑपरेटर। द बिटवाइज ऑपरेटर्स इज यूज्ड टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। मैं अभी बिटवाइज ऑपरेटर्स में ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अभी। तो बस ये आप डेफिनेशन के हिसाब से याद रखिए कि हमारे पास एक बिटवाइज ऑपरेटर भी होता है। हम इसको नेक्स्ट क्लास में, आगे आने वाली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिफ्थ, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू अ वेरिएबल। द लेफ्ट साइड ऑपरेंड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज अ वेरिएबल एंड राइट साइड ऑपरेंड ऑफ एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज अ वैल्यू। तो जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं, असाइनमेंट वैल्यू ऑपरेटर, इसकी मदद से हम किसी भी वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे कि हम लेट्स से हम कहते हैं इंट ए इज इक्वल टू लेट्स से 15। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया हमारा डबल इक्वल टू इक्वल टू, हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अब हम चलते हैं अपने आईडीई पे एंड ये ऑपरेटर्स को टाइप करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं थोड़ा बहुत कि हमने क्या सीखा। हम टाइप करके देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। अगर हम सबसे पहले बात करें अरिथमेटिक ऑपरेटर की, तो लेट्स से इंट a इज इक्वल टू लेट्स से 15, c इज इक्वल टू लेट्स से 10, हम बोलते हैं इंट b इज इक्वल टू a प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर लिया। हम इसको लास्ट में प्रिंट करके देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि लेट्स से रिलेशनल ऑपरेटर, हम ये कर सकते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लेट्स से ए प्लस देन बी। इसको हम रन करके देखते हैं एंड हम ये भी प्रिंट कर लेते हैं डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बी। हम रन करते हैं, सॉरी मैंने बी तो दिया ही नहीं है, यहाँ पे हमारा आएगा लेट्स से सी डी, लेट्स से डी। डी भी तो एक वेरिएबल हमारा ऐड हो जाएगा। हम रन करते हैं, तो पहला हमारा ये जीएफसी प्रिंट हुआ, देन हमारा आंसर जो डी में आना चाहिए 15 + 10 25, तो हमारा आंसर 25 आया है एंड थर्ड में हमारा ट्रू आया है a is less than d, 15 is less than 25, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर हमने जैसे ये a इक्वल टू 15 लिखा है तो ये हम असाइन कर रहे हैं अपनी वैल्यू a इज इक्वल टू 15। तो इसी तरह से हम अपने बहुत बाकी सारे ऑपरेटर्स पे यूज़ कर सकते हैं I hope you like this video. Stay tuned for the next part. Thank you.